हजम जर्मनी में ये देखते हैं कि कैसे स्टोर्स होते हैं, उसमें सामान वगैरह हम कैसे लेने। ये एल्डी स्टोर है, एल्डी ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, इसमें हम चलते हैं। ये अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है, ये अपना ये सारी तरह की सब्जियां हैं और डिस्प्ले हैं, उनका प्राइस भी लिखा हुआ है। हर एक चीज का प्राइस मेंशन है नीचे। सब्जी सभी तरह की जैसे इंडिया में मिलती हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, ये है 2 €19। ये एक एक सिंगल सिंगल मिलती हैं। कितनी बड़ी है खीरा ना, अलग अलग है रेट। इसका रेट कितना है? 79 सेंट है एक ना। ये नॉनवेज का है, नॉनवेज अलग अलग नॉनवेज है, ये वेज है, सॉरी ये ना, हाँ वो ये नॉन वेज है। कई तरह के वैरायटी काफ़ी है चीज़ों की। ब्रेड नहीं है इस टाइप से, ब्रेड की वैरायटी है, ये भी लिकर का सेक्शन हो गया शायद। बियर है, पत्नी वाइन है, वाइन है, अलग अलग वाइन है। इनका रेट भी डिस्प्ले कर रखा है। एप्पल जूस, बटर कौन सा है? बटर ये अच्छा, ये जर्मन बटर है। ओके, और ये आयरिश है, आयरिश बटर। ओके, आयरिश बटर। ओके, आज इस बार हमने जर्मन बटर ले लिया। ओह गुड गुड।
African rock. African rock. So very good. प्रोडक्ट ऑफ इटली, ये पता नहीं क्या है, पानी है क्या, सोडा है, और ये आप देख रहे होंगे, हाँ हाँ, ये पानी नहीं है, ये सोडा है। इसकी ना मीडियम, जैसे मीडियम लिख रखा है, मीडियम ही ये सोडा है, कहीं क्लासिक लिखा है, जैसे ये क्लासिक है, क्लासिक लिखा है, ये भी सोडा ही है। एक बार मैंने ले लिया था, मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा पानी है, ये मिनरल वाशर लिखा हुआ था, मिनरल वाशर, मैंने सोचा पानी है, मैंने खरीद लिया, अपने पी के देखा तो सोडा मिला, तो ये सारे ना सोडा हैं। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी ये भी सोडा है, तो इनमें एक देखने का यही रहता है कि ना वहाँ पे स्टिल होना चाहिए, स्टिल लिखा है तो वो पानी है। स्टिल लिखा है, यस, ये पानी है, अदरवाइज सारे सोडा हैं। तो मेरे से तो गलती हो गई थी एक बार। Yeah.